प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। लोग डिग्रियां तो ले रहे हैं लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर रहे। सरकार इस पेच में लोगों को फंसा देती है कि तुम जाति में बट जाओ, तुम धर्म में बट जाओ, जितने भी इंस्टीट्यूशन है सबको मॉडिफाई करनी होगी। सिस्टम को दोष देना बंद करें। हाँ, ये सरकारी नौकरी बहुत लिमिटेड है। कोविड महामारी में मोस्टली जो युवा है ना डिप्रेशन में चले गए। छात्र में स्वाभिमान है तब तक कोई झुकेगा नहीं, और जिस दिन झुक गया फलना पार्टी जिंदाबाद। हर एक जिले में एक मेंटल अस्पताल का आज के डेट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लावारिसों के लिए एक स्पेशल हॉस्पिटल होना जरूरी है। अब आप पीएमसीएच की बात कर रहे हो, है एक लावारिस वार्ड है। लावारिस वार्ड में क्या है, वहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। लावारिस वार्ड का मतलब क्या कि बीमार को जहाँ रखा जाए, तो बीमार के लिए क्या चाहिए? उसका पैर का अगर एक्सरे करना है, कोई उसका अटेंडेंट नहीं है, आप हाथ का एक्सरे कीजिएगा, उसको कौन चेक करवाएगा? उसके लिए वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ, प्रॉपर मशीनरी, प्रॉपर सब चीज जो सिर्फ उसी के लिए डिपूट हो, जिसको दूसरे पेशेंट से मतलब नहीं हो। तो वहां पे एक लावारिस वार्ड नहीं, एक लावारिस हॉस्पिटल की जरूरत है। जो आज के डेट में अगर आप अभी मेरे साथ घूमेंगे ना, आपको 10 से 20 ऐसा आदमी दिखा देंगे जो सड़क पे मर रहा हो, तो सबके लिए एक इंसान कैसे खड़ा हो सकता है? और जब आप खड़ा होंगे तो आप किसी को पेन दे रहे हैं। हम लोग जब पढ़े थे तो दिस इज ए बैट, दिस इज ए बॉल छठा में शुरू हुआ था, अभी का बात नहीं पता है कि कब शुरू हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा कमी है ना, जो प्रॉपर शिक्षा देना चाहिए वो स्कूल में ही शुरू कीजिए ना, शुरू से क्लास में जो है उसको सारा। अब तो टेक्निकल एजुकेशन का बात आ रहा है, जापान आगे है। हम लोग एक भूल के डिब्बा में जितना बर्बाद कर रहे हैं लोहा, उतना में जापान कितना घड़ी बना के बेच रहा है। तो ये चीज अगर स्कूलिंग में सिखाया जाए, आईआईटी करता है 10th के बाद, सॉरी आईटीआई, तो उस तरीकों को एकदम पैटर्न में शामिल कीजिए ताकि वो हमेशा आगे बढ़े, कुछ उसको ज्ञान मिले। और ऐसे तो अब से स्किल पे बहुत सारा काम हो रहा है प्रधानमंत्री का, तो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। सबसे पहली बात है कि हमारा जो देश है और उसमें खास करके बिहार में इतना बीमारू हो चुका है कि हम युवा का कोई सुनने वाला नहीं है। हम गिड़गिड़ाते रहें, सड़क पर भटकते रहें, अपनी जवानी को यूं ही बर्बाद करते रहें। जानते हैं डिग्रियां लेकर के भी सड़क पर खैनियां बेच रहे हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे शराब बेच रहे हैं लोग, उसकी पीड़ा को जान रहे हैं। कॉन्वेंट के बच्चे जी अपने बैग में शराब लेकर दूसरी जगह बेचते हैं क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। इस कोरोना महामारी की बात ही छोड़िए, रोजगार की बात सदियों से होती आ रही है, और जिस देश में हमारे यहाँ संख्या है उस अनुसार से बिहार की जो स्थिति है वो काफ़ी दुखद है। हमने तो प्रकृति के साथ अत्याचार करते करते मानव हिंसक हो गए, मानव होकर के भी मानव हिंसक हो गए। हमारे पास कॉलेज की स्थिति आप देख लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी को हम ले लीजिए। पूरे हिंदुस्तान में पटना विश्वविद्यालय का हिस्ट्री डिपार्टमेंट माना जाता है कि वहाँ लोग पढ़ के अच्छे अच्छे लोग बनते हैं, आज एक भी टीचर नहीं है। क्या वहाँ टीचर की आवश्यकता नहीं थी? लोग डिग्रियां तो ले रहे हैं लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम आईआईटी कर लिए, हम कहाँ किसके यहाँ काम करेंगे, आप तो हमको भगा दिए। कोई आदमी कह रहा है कि मेरा कंपनी तो बंद हो रहा है, हम आपको रोजगार नहीं दे पाएंगे, तो वो आदमी तो विद्रोह पैदा करेगा ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सही सिस्टम से चल नहीं रहे हैं। सरकार इस पेच में लोगों को फंसा देती है कि तुम जाति में बट जाओ, तुम धर्म में बट जाओ, तुम ऐसे ऐसे चीज़ों को ला करके समाज के मानसिक रूप से इतना कमजोर कर देती है कि हमको उसके सिवा कोई दिखता ही नहीं है। फलना जात का है, हम इसके सपोर्ट में रहे, चाहे वो हमको काहे ना गोली मरवा दे। इंडियन कल्चर को हम बहुत मना मान रहे हैं लेकिन नहीं देख रहे हैं कि कोई गलत चीज़ अगर कर भी रहा है तो लोग उसको आनंद से देखते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग मस्तिष्क से उतने परिपक्व भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ तक हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वर्तमान में अभी हमको लगता है कि कम से कम 25 बरस तक युवा ऐसे ही भटकेंगे और आधी सी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपको लगता है कि सरकार का कोई प्लान है जिससे कि काम कर रहा है युवाओं पर? हम अच्छे कॉलेज भी खोल दिए हैं तो अच्छे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता है साहब। हमारे अच्छे घराने के लोग बड़े जिसके पास पैसे हैं वो अपने बच्चे को टोक्यो भेजते हैं, जापान में भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं, स्विट्जरलैंड भेजते हैं। वहाँ के बच्चे भी भाग करके, वहाँ भी नौकरियाँ कम गई तो वहाँ से भी लोग भागा। मेरे घर की बात है, मेरा खुद भाई सब अमेरिका में है और जब वहाँ नौकरियाँ बंद हो गई तो घर में आके बैठ गया। उसके रोजगार क्या उस अनुसार से उसको यहाँ भारत सरकार वेतन देगी? अभी 70 बरस और लगेंगे इसको विकास करने में।
कितने बच्चे हैं जो गलत रास्ते धर लिए हैं, चोरी चमारी ये सब जितने काम कर रहे हैं। अब देख लीजिए कोई अच्छे काम कर रहे हैं, हमको पढ़ने का शौक है, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम क्या करेंगे, गलत काम ही करेंगे ना। अमेरिका ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, अपने देश का दो मिनट का छोड़ देती है, वहाँ पर जितने भी माता पिता हैं सब सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए मार करनी पड़ती है, परेशान होता है। यहाँ जैसे प्राइवेट में दिन रात लगल है ना कि मेरा बेटा एकदम कॉन्वेंट में ही पढ़ेगा, है ना, वहाँ सरकारी स्कूल के लिए है। हमको सबसे पहले अपने सिस्टम को सुधारना होगा। दूसरी बात है कि हमारी जितनी भी इंस्टीट्यूशन है सबको मॉडिफाई करनी होगी। सब कुछ ऑनलाइन कर दिए हैं साहब, अब बताइए आदिवासी क्षेत्रों में ऑनलाइन होता है क्या? कभी गरीबी जाके वहाँ देखें जंगल में, हम तो उसी क्षेत्र से हैं ना, उस महिलाओं का दर्द आपने देखा है, है? जो दतमन बेचने वाली है ना, उससे जाके उसकी भावना को पूछिए कि साहब आपका बच्चे क्या करते हैं, तो बोलेगा कि नहीं वो भी तो दतमन ही बेचेगा, मैं क्या वो मेरा भारत का नागरिक नहीं है? वोट के लिए आप पहले पहुंच जाते हैं साहब, वैक्सीन के लिए वहाँ ऑनलाइन आप कहते हैं करने के लिए, जिस आदमी को मोबाइल तक पता नहीं है, नंबर तक नहीं लगाने आता है। तो हम सबसे पहले उस क्षेत्रों को भी सुदृढ़ करें जहाँ इस चीज़ के मामले में एजुकेशन में बहुत पिछड़ा। विपक्ष भी हमारे यहाँ कमजोर है, कोई बात ही नहीं उठाता है, कोई युवा की बात ही नहीं उठाता है। अब रोते रहिए ना, आंसर कीजिए ना, कोई पूछने वाला नहीं है। हो सकता है कि कोई प्राइवेट एनजीओ वाला आकर के आपका आंसर तोड़वा कि बाबू आप पी लीजिए, छोड़िए नहीं मानने का। कितनी शर्म की बात है इस देश में, उसी देश से हमारे देश की आज़ादी हुई है और वही देश वही आंसर करने वाले के साथ ऐसी ओमितव्यता शोभा नहीं देता। हम आज भी बहुत पीछे हैं और अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले देश में गृह युद्ध के सिवा और कुछ नहीं किसी को मिलेगा। छात्र एक अपना स्वाभिमान भूलते जा रहा है और जब तक छात्र में स्वाभिमान है तब तक वो झुकेगा नहीं, और जिस दिन झुक गया फलना पार्टी जिंदाबाद 100 रुपये मजदूरी के तौर पर 100-200 दे देंगे, किसी बढ़िया होटल में खिला देंगे, हो गया, ये छात्र का लक्षण है। आज 1,30-35 करोड़ जनसंख्या है, मैं एक गोल्ड मेडल आता है तो पूरी दुनिया फिदा हो जाती है, और हमसे भी एक बिहार से भी छोटा है जापान, अमेरिका की संख्या देख लीजिए, चाइना की देख लीजिए, कितने लोग आते हैं, क्योंकि आपने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्या हमारा श्रेय नहीं था कि उस पर दें? हमारा बिहार का इतनी बड़ी जनसंख्या है, एक बच्चे भी गए क्या? हम लोग के साथ क्या होता है ना कि हम लोग सबसे पहले कुछ भी होता है, यहाँ एक छोटा सा रेप होता है तो हम लोग सिस्टम को दोष देते हैं। क्यों सिस्टम को दोष देना बंद करें? हाँ, तो युवाओं में आजकल जो आ गया है ना कि नहीं हमको सरकारी नौकरी चाहिए, तो सबसे पहले ये दिमाग से हटा लें कि सरकारी नौकरी बहुत लिमिटेड है, स्टार्टअप पे बहुत फोकस करते हैं। आप मुझे 15 स्टार्टअप बता दीजिए पिछले 3 साल का जो आपको कंटिन्यू, जिसको पैसा मिल गया और जो कंटिन्यूटी में चल रहा है, नहीं चल रहा है। अच्छा आया हुआ उद्यमी लोन, युवा उद्यमी लोन 10 लाख वाला, उसको 20 लाख कर दिया गया है, लेकिन 2 महीने में शायद अभी तक 2 लोगों को भी नहीं मिला होगा, मुझे जहां तक लगा है। किसी भी लीडर को आज तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग इट ओनली कि कोई भी युवा को उन्होंने आगे आने का मौका दिया हो, ये बहुत ही मतलब खराब लगता है। ये मैं सब यूज करूँगी कि अगर आप लोग हमें पीछे कर दीजिएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। सबसे सर्वप्रथम तो ये कोविड महामारी में मोस्टली जो युवा है ना डिप्रेशन में चले गए हैं, ग्रसित हो गए हैं, और वैसे सिचुएशन में अगर हम लोग अगर अपने आप को बचा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात की राष्ट्र निर्माण में ये हमारा सहयोग है कि हम लोग कोविड में हम लोग अपने आप को पहले बचा लिए। हम किसी के अंडर में पिस रहे हैं 10,000 के लिए 2,000 के लिए, क्यों नहीं हम परिश्रम कर रहे हैं, क्यों नहीं हम लक्ष्य स्थापित कर रहे हैं कि एक लक्ष्य हम स्थापित करें कि मुझे राजनीति में जाना है, मुझे समाज सेविका बनना है, या मुझे जॉब करनी है, या मुझे अपना बिजनेस करना है। कोई भी एक पहले लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है, वो लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन यहाँ क्या है ना, पॉलिसीज मेकर जो है ना पॉलिसी बना देते हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान वो सही से नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है, गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही, एंटरप्रेन्योरशिप लोन दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन अगर मुझे लोन लेना है तो मुझे ये नहीं पता है ठीक से कि क्या प्रक्रिया है उसका। कि हम अपने इतिहास से जुड़ाव रखें, संस्कार से जुड़े रहें, युवा जरूर आगे बढ़ेगा। बाहर जाना भी लोगों की मजबूरी होती है। लोग कहता है अमेरिका में इतने % इंडियन डॉक्टर्स है, नासा में इतने % साइंटिस्ट है, अगर यहाँ होता तो इंडिया डेवलप्ड होता, लेकिन इंडिया में वो लोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ उनका ग्रोथ ही नहीं है। मैं बोलूँगी बिहार में या इंडिया में, सबसे पहले तो लैक ऑफ पर एजुकेशन है, दूसरी बात यहाँ टेक्नोलॉजी की बहुत ही ज्यादा कमी है। इस दोनों पॉइंट पे गवर्नमेंट को वर्क करना ही चाहिए। यहाँ पे शिक्षित बेरोजगारी की बहुत ज्यादा बिहार में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ मेरिट है लेकिन उस पर कोई फोकस नहीं करता है। अभी पटना कॉलेज की अगर हम बात कर ले या पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो पटना कॉलेज में टीचर्स की कमी के वजह से
हम लोगों को अच्छे ढंग से सिलेबस का भी पता नहीं है। जो बात है, हम लोग यहाँ पे सपना लेकर के आते हैं कि IIMC के स्टूडेंट हम लोग बनेंगे, हम लोग और आगे जाएंगे, JNU जाएंगे, ये वो। थर्ड अभी हम लोग ईयर में आ गए ना, लेकिन हम लोगों का सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों को मिला करके अभी तक कोई भी कंप्लीट नहीं हुआ है एक अच्छे तरीके से, जिसको कहेंगे। कैसे हम लोग सब कुछ अच्छा करें जब हम लोगों के पास वो स्किल, वो चीज जो हम लोग सीखने आए, वो हम लोगों को यहाँ मिल ही नहीं रहा है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।